A roll, B roll, everything. So फाइनली भाई वो स्पेशल बॉक्स हमारे पास आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 9 Pro का। फर्स्ट सेल जो थी OnePlus 9 Pro की, उसके अंदर मैंने उसको ऑर्डर किया भाई। अब भाई ऑनलाइन मैंने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद उन लोग ने भेजा है भाई फोन को। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किए थे इन लोग ने Hasselblad को लेके। लेट्स सी कैसा है भाई, ये कैमरा वगैरह सारी चीजें टेस्ट करने वाले हैं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस OnePlus 9 Pro। सो लेट्स बिगिन। $64,749 250 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिला, प्लस मेरे को 4,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो ये फ़ोन मेरे को 60,750 रुपीज़ का पड़ गया। ओ भाई भाई भाई, हर जगह Hasselblad की ब्रांडिंग है। यहाँ पर OnePlus का लोगो है, पीछे के साइड में थोड़ी बहुत डिटेल्स है। ओपन करते हैं भाई फ़ोन को। ओ भाई, न्यू फोन की खुशबू अलग होती है। ये हमारा फोन है, मैंने ब्लैक कलर में मंगाया था भाई, सैंडस्टोन फिनिश में। सैशे मिल जाता है यहाँ पर। एक केस है इसके अंदर जिसकी क्वालिटी बहुत मस्त है यार। उसके बाद अंदर बहुत सारा रीडिंग मटेरियल है और OnePlus के स्टिकर्स भी हैं, और ये रेड केबल क्लब का कार्ड है कुछ तो भी। उसके बाद अंदर हमको ये 65 वाट का OnePlus का अडेप्टर मिल जाता है, और ये एक Type-C to Type-C केबल है। जी हाँ, ये चार्जर के अंदर हमको Type-C आउटपुट मिलता है। फोन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ओ भाई साहब, व्हाट अ ब्लडी फोन। अरे बाप रे, ओके ओके, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। मैंने सोचा था कि लाइक वो होता है ना जो सैंडस्टोन फिनिश रहती है, ऐसा घसने वाला वैसा टाइप का होगा, लेकिन ये स्मूथ है। खाली उस तरह का डिज़ाइन है काइंड ऑफ मैं बोलूँगा, लेकिन पूरा ग्लास है भाई। लेकिन क्या ही फील है यार, एकदम स्मूथ है। मतलब 6.7 इंच का डिस्प्ले है, उसके हिसाब से मैंने सोचा था बल्कि होएगा फ़ोन, बड़ा होएगा, लेकिन बड़ा नहीं है। काफ़ी हाथ में अच्छे से बैठ जाता है यार। मतलब चारों तरफ से पूरा राउंडेड है ना, तो वो भी एक है कि भाई एकदम आसानी से हाथ में बैठता है। और काफ़ी लाइट वेट है, लगभग 197 ग्राम का वेट है। और वेट बैलेंस भी भाई बहुत ही अच्छे से किया है OnePlus ने। और डिज़ाइन भाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इधर पे Hasselblad की ब्रांडिंग दे दी है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, देखने में भी अच्छा दिख रहा है। बाकी फ़ोन का जो इन हैंड फील है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी अगर मैं आपको क्विकली इसका फिजिकल ओवरव्यू दे दूँ तो पीछे के साइड में हमको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। OnePlus का लोगो बॉटम साइड की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पर हमको मेन स्पीकर ग्रिल, USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन होल, और यहाँ पर सिम कार्ड का ट्रे है जिसके अंदर हम 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। राइट साइड की तरफ अगर मैं मूव करूं तो भाई यहाँ पर हमको एक पावर बटन मिल जाता है जो अच्छा खासा टैक्टाइल है, और हमारा जो फेवरेट अलर्ट स्लाइडर है वो मिल जाता है भाई। कुछ तो भी ऐसा चिप्ट लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पेंट थोड़ा चिप्ट है, पता नहीं गाइस। देखो आप, देखो क्या आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है क्या? उसके बाद अगर मैं टॉप के साइड में मूव करूँ तो भाई यहाँ पर एंटीना बैंड है, और इधर पे सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हमको सिर्फ वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है, जो भी अच्छा खासा टैक्टाइल है। और भाई जो पूरे साइड की रेलिंग है पूरी कंप्लीटली एल्यूमिनियम से बनी है, बैक ग्लास है, फ्रंट में भी ग्लास है, लेकिन जो ग्लास है ये गोरिल्ला ग्लास 5 से कवर्ड है। मतलब फ्लैगशिप फोन है तो उसके अंदर विक्टस तो होना ही चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा बुरा नहीं बोलूँगा। जो मतलब बिल्ड क्वालिटी वगैरह भाई, ऑफकोर्स OnePlus का फोन है तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई वो नहीं है, ऑफकोर्स बिल्ड क्वालिटी एकदम तगड़ी है। तो भाई इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कुछ ज़्यादा ही नीचे है, दैट्स वियर्ड। ओ भाई साहब, इसका तो जो वाइब्रेशन मोटर है क्या तगड़ा है। जो ब्राइटनेस का स्लाइडर है, मैं इसको आगे पीछे करूँ ना तो एक एक स्टेप फील हो रहा है एकदम परफेक्ट, जैसा आईफोन में होता ना। फोन ऑन हो गया, इसमें कोई भी मेरे को फालतू का एक भी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा। नेटफ्लिक्स है, व्हाट, आई कैनॉट अनस्टॉल नेटफ्लिक्स, दैट्स वियर्ड। और गाइस डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है इसकी, लगभग 1300 निट्स की इसका पीक ब्राइटनेस है। सस्टेन ब्राइटनेस भी 700-800 निट्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि फ्लैगशिप फोन है भाई। आपको फ्लिकर दिख रहा है, ये रियल लाइफ में नहीं दिख रहा है। इसके अंदर DC डिमिंग नहीं है, दैट्स वियर्ड। सो अभी मैं क्विकली अगर आपको दिखा दूँ तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसके अंदर हमको Snapdragon 888 प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। 6.7 इंच की 2K डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, वो भी LTPO टेक्नोलॉजी के साथ में। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फोन है ना वो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में कहीं पे भी जा सकता है, बेस्ड ऑन योर कंटेंट। एंड्रॉइड वर्जन 11 पे चल रहा है भाई ये फोन। 128GB में से 104GB फ्री है, फर्स्ट टाइम बूट किया, मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं है। और भाई मेरे को मतलब 6.7 इंच का डिस्प्ले है इसका, उसके बावजूद भी 1-हैंडेड यूजेबिलिटी में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो OxygenOS का अपडेट भी आया है, तो दैट्स गुड। ऑफकोर्स इतना भारी डिस्प्ले तो भाई बहुत ही ज्यादा शार्प है भाई। मेरे को जरा सी भी कोई ऐसा वियर्ड सा ब्लूइश पिंकिश टिंट नहीं दिख रहा भाई, एकदम खतरनाक डिस्प्ले है। जी हाँ भाई, HDR का ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। 1440p HDR में चल रहा है ये वीडियो। क्या ही डिस्प्ले है यार, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड डिस्प्ले है। इवन व्यूइंग एंगल्स भी भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं भाई, एकदम टॉप क्लास के डिस्प्ले, फ्लैगशिप फ़ोन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। स्पीकर्स की बात करूँ भाई तो उसके अंदर मल्टीपल स्पीकर्स है और भाई दोनों में बैलेंस साउंड है, ये अच्छा है। परफेक्ट सेपरेशन, मजेदार स्पीकर है भाई। गाइस हम लोग अभी क्विकली फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी टेस्ट देख लेते हैं। उंगली रखा, तुरंत खुल गया, रखा, खुल गया। बहुत ज़्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है लेकिन बहुत नीचे है। लाइक अगर आप ऐसा नॉर्मल, आपको बहुत नीचे अपने उंगली लेके आनी पड़ेगी खोलने के लिए, ये चीज़ है। अभी मैं अगर फेस अनलॉक भी चेक कर देता हूँ एक बार, अब मैं देखो चेक करता हूँ भाई, लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखी। जैसे आपने देखा इधर के डायरेक्ट खुल जाता भाई। तो फेस अनलॉक की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा फास्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, सिक्योरिटी के मामले में सॉर्टेड है भाई। अब उसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ूँ तो भाई अभी तक के तो मेरे को परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। मतलब जो भी आप सोच रहे हो ना वो सब है इसके अंदर। UFS 3.1 का स्टोरेज है, एकदम टॉप ऑफ द लाइन सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है भाई, एकदम मज़ेदार। मतलब डे टू डे टास्क में तो कोई आपको ऐसा तकलीफ लगेगी ही नहीं, लेकिन भाई इसका जो LTPO पैनल है ना, इससे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई मीन डेफिनेटली भाई बैटरी लाइफ तो बचाएगा। सो गाइस यहाँ पर देखो रिफ्रेश रेट दिख रहा है डिस्प्ले का, तो भाई ऐसा नॉर्मल मैं यूज़ कर रहा हूँ ना तो मेरे को कहीं पे भी रिफ्रेश रेट में ड्रॉप नहीं दिखने को मिल रहा है। लाइक सेटिंग में चले गया, गैलरी में चले गया, कैमरे में चले गया, सब जगह 120 है। लेकिन अब मैं जैसे यूट्यूब पर गया सीधा ये 60 हर्ट्ज पे गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार फील होता है मेरे को। तो हाँ ये समझ लो भाई, जैसे मैंने नीचे से ऊपर किया वापस 120 पे आ गया, तो फटाफट चेंज तो होता है। अब गाइस मैंने इसके अंदर ना एक गेम डाउनलोड किया है, PUBG मोबाइल कोरियन। बैटरी 31%, HDR एक्सट्रीम का सेटिंग मिलता है हमको, अल्ट्रा HD का भी सेटिंग मिलता है। टीम मैच, लेट्स गो। गजब स्मूथनेस है भाई, एकदम मजेदार। टारगेट डाउन, एनिमी डाउन, गजब बेइज्जती। एक्सपायर्ड, नाइस शॉट, ब्लू टीम विक्ट्री। सो गाइस बैटरी 26 पे आ गई है और मैंने 10 मिनट खेला लगभग गेम, और 10 मिनट में फ़ोन 41 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया भाई। दैट इज़ क्रेजी। मतलब फ़ोन गर्म तो होता है भाई डेफिनेटली, और पूरा मेटल बॉडी है तो उसके वजह से और गर्म फील भी होता है। फ़ोन की हीट जो बाहर निकल रही है तो उसके वजह से जो प्रोसेसर की लाइफ है वो बढ़ जाती है, ऐसा बोला है वन प्लस ने। तो अच्छी चीज़ है भाई, मज़ेदार था गेम प्ले भी और नॉर्मल डे टू डे टास्क में भी कोई मतलब। ऑफकोर्स यार वन प्लस का फ़ोन है तो आपको पता ही है भाई इसका परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहता है एज एक्सपेक्टेड। सो या गाइस ये था एक परफॉर्मेंस का टेस्ट। अभी हम लोग कैमरास की तरफ बढ़े जो इसका सबसे मेन हाईलाइट है। यहाँ पर हमको 4 कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है भाई। सोनी के साथ मिलकर इन लोग ने बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा वाला बड़ा सेंसर बनवाया भाई, कस्टम सेंसर IMX789 बोलते हैं उसको, और उसके बाद उसका नाम है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर इन लोग ने 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर बनाया है, और भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है कि भाई अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा है, ये है वो है। उसके बाद यहाँ पर एक 8 मेगापिक्सल का 3.3x जूम लेंस है, पता नहीं क्यों। उसके बाद एक डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का। मतलब फ्लैगशिप फोन है यार, अब तो शर्म करो 2 मेगापिक्सल का कैमरा डालते हुए। और इधर हैसलब्लैड की ब्रांडिंग है इधर, और इधर पे लेजर दिया हुआ है मतलब ऑटो फोकस वगैरह के लिए। और फ्रंट साइड की बात करूं तो भाई यहाँ पर हमको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। ये बटन ऑरेंज हो गया जो हैसलब्लैड के कैमराज में होता है, और उसकी आवाज़ सुनो, जो फोटो लेने की क्लिक साउंड है ना वो जैसा हैसलब्लैड के कैमरे में होता था वैसा कुछ साउंड इन लोगों ने डाल दिया है। अब बात करूँ मैं फोटोज़ की तो डे लाइट में कुछ इस तरह के फोटोज़ लेता है भाई, बहुत सही है। थोड़ा सा डायनेमिक रेंज पे काम करने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि जब लेंसेज चेंज होती हैं तो भाई कलर की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। बाकी डे लाइट में अच्छी फोटोज आती है, सैचुरेटेड रहती है, अच्छी रहती है, मतलब ऐसा कलर्स वगैरह भी अच्छा आते हैं। इवन माइक्रो सेंसर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पोर्ट्रेट वगैरह की बात करूँ तो भाई पोर्ट्रेट वगैरह भी मतलब हमको थोड़ा सा ऑफ लगता है, वियर्ड सा कलर आता है। बाकी ये सब कुछ वीडियोज़ है। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रॉम द रियर कैमरा ऑफ द OnePlus 9 Pro। ये भी 8K में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन भाई ये अल्ट्रा वाइड सेंसर से रिकॉर्ड हो रही है। गाइज ये 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, फोकसिंग अच्छी है लेकिन डायनेमिक रेंज पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत लग रही है। देखो ये अल्ट्रा वाइड हो गया तो अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकता हूँ, और भाई स्टेबलाइजेशन वगैरह मस्त है। ये गाइज 4K 120 FPS वीडियो है। गाइस ये वीडियो मैं फ्रंट फेसिंग कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ OnePlus 9 Pro के। कुछ इस तरह का वीडियो बनता है, ऑडियो भी इसी से रिकॉर्ड हुई है। बहुत ज़्यादा क्रॉप इन लग रहा है मेरे को, और थोड़ा वाइड हो तो ज़्यादा बेटर होता। तो भाई ये सब तो ठीक है, अब हम टेस्ट करते हैं इसको iPhone 12 के साथ में। भाई जो डे लाइटिंग सिचुएशन वहाँ पर iPhone 12 ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है डायनेमिक रेंज के मामले में स्पेशली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलूंगा स्पेशली डे लाइटिंग सिचुएशन में। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी बहुत अच्छा है iPhone 12 का। तो भाई iPhone 12 अभी भी यहाँ पर मेरे को विनर लगता है। लेकिन जब पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो भाई क्लियर विनर है iPhone 12, ज़रा भी इसमें मात नहीं है भाई, एकदम हगेला कलर कर देता वन प्लस, इसमें तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर मैं फ्रंट फेसिंग सेल्फी की बात करूँ तो भाई यहाँ पर भी क्लियर विनर है आईफोन, एकदम बाप स्किन टोन्स मज़ेदार, आईफोन को बीट नहीं कर सकता भाई इस मामले में। अब मैं इंडोर लाइटिंग की बात करूँ तो भाई यहाँ बहुत मार्जिनल डिफरेंस मैं बोलूंगा स्पेशली अल्ट्रा वाइड सेंसर में, लेकिन है देयर इज अ डिफरेंस। बट जब लो लाइट की बात करूं भाई तो क्लियर आपको दिखता है कि भाई जो फ्लैगशिप होता है वो एक्चुअल में फ्लैगशिप होता है, बहुत ज्यादा क्लीन फोटो आईफोन वाला निकाल के देता है। लेकिन जो नाइट मोड है उसके साथ में भी आईफोन ही यहाँ पर क्लियर विनर निकल के आ रहा है। लेकिन जब अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो नाइट स्केप से वन प्लस ज्यादा बेटर फोटो ले रहा है। और गाइज ये वीडियोज है मैंने जो रियर कैमरे से शूट किया है। अब ये आईफोन की आवाज है फिलहाल जो आप सुन रहे हो, और ये जो आवाज है ये OnePlus 9 Pro के रियर कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं फोकस की बात करूँ तो भाई साइड हट गया, फिर आया, साइड हट गया, फिर आया, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई किसमें ज़्यादा बेटर फोकस है। अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर, कुछ इस तरह का अल्ट्रा वाइड सेंसर से शूट होता है, बहुत नज़दीक आने के बाद भी मतलब एकदम बाजू नहीं है, एकदम बाजू नहीं है, तो कुछ इस तरह का वीडियो अल्ट्रा वाइड सेंसर शूट करता है। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर क्लियर विनर जो है वो आईफोन ही है, लेकिन भाई बहुत नज़दीक OnePlus पहुँच चुका है और थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो फ्लैगशिप लेवल के कैमरे की फोटोज डेफिनेटली ये OnePlus ले सकता है। सो गाइस ये था एक छोटा सा कैमरा का टेस्ट। बाकी फोन भाई क्या फोन बनाया यार, 65,000 में, मेरे को तो 60,000 में पड़ा भाई, 60,000 में बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा भाई। लेकिन 5,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा स्टोरेज और रैम को अपग्रेड करने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हो तो भाई डेफिनेटली वर्थ है वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना। आपको 12 to 56 GB वाला मॉडल मिल जाएगा। तो भाई यही था एक छोटा सा मेरा अनबॉक्सिंग एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस OnePlus 9 Pro। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर भाई पसंद आई है तो एक लाइक दे दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, घंटे का आइकॉन को दबा देना ताकि फ्यूचर में इसी तरह की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।